Hello guys, welcome to Law Prep Tutorial. Today we are going to discuss three important things which might cost you your dream NLU. I know this is a bit scary topic, but abhi bahut sare students se interact karne ke baad, I thought it is very important ki main aapke samne ye cheez leke aaun aur aapko bataun ki क्या चीज़ें ऐसी तीन मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली स्टूडेंट्स अभी इस टाइम पे, क्योंकि दो महीने बचे हैं एग्जाम में, इस टाइम पे क्या नहीं करनी चाहिए और जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं. तो एक बार हम देखते हैं कौन सी वो तीन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, जो आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं चलता है, बट ये सबसे डेंजरस मिस्टेक्स हो सकती है और लास्ट वाली तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है. द वेरी फर्स्ट इज Not attempting enough mocks. देखिए सबसे पहली चीज, हम बार बार टाइम टेबल में भी आपको दे रहे हैं, जो डेली टाइम टेबल आपको मिल रहा है टेलीग्राम चैनल पे, उसमें भी आपको बता रहे हैं दैट यू हैव टू अटेम्प्ट वन मॉक एटलीस्ट पर डे. दिन के चार घंटे आपके मॉक अटेम्प्ट करने और उसको एनालाइज करने में जाने चाहिए. एटलीस्ट एक मॉक होना चाहिए, एटलीस्ट चार घंटे, 4 hours यू हैव टू डेडिकेट टू गिविंग मॉक्स डेली. आज से जब हमने 90 डेज का टाइम टेबल डिस्कस किया था, 90 डेज वाला, उसमें हमने सबसे पहली बात आपको ये बोली थी कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2024, आपको 100 मॉक्स इकट्ठे करके रख लेने होंगे या 100 मॉक्स का आपको रखना होगा. अब आपको एक मॉक एटलीस्ट रोज देना है. अगर आप दो दिन में तीन मॉक्स दे सकते हो, मीन्स एक मॉक आज दिया और आधा भी आज दिया है, कंटिन्यूसली फॉर 3 hours अगर आप मॉक दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ये, और उसको हम आगे कंटिन्यू नेक्स्ट डे कर सकते हो. तो एटलीस्ट एक मॉक तो आपको देना है. हमने लॉ प्रेप में अराउंड 100 जो टॉपर्स हैं लॉ प्रेप में, उनसे हमने बात की, और बात करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें निकल के आई वो यही हैं कि सर हम क्वेश्चंस बहुत सारे अटेम्प्ट करते थे, अराउंड 150 to 200 क्वेश्चंस हम डेली लास्ट के 3-4 महीनों में अटेम्प्ट करते थे, प्लस एक हम जीके रोज रिवाइज करते थे. तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, क्योंकि क्लैट का कोई सिलेबस नहीं है. मैंने पहले भी आपसे बोला है क्लैट हैज नो सिलेबस, इंग्लिश सीआर लीगल कोई सिलेबस नहीं है. तो इसीलिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है, जिन भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि सर हमें पता नहीं है दो ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, सर हम यस या नो तो चूज कर लेते हैं बट उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो हम चूज नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज द बेस्ट एडवाइस फॉर यू कि आप मॉक्स देते रहिए, अपने डाउट सॉल्व करवाते रहिए, एंड यू विल सी वंडर्स, आप अपने आप ऑप्शन सही टिक करना शुरू हो जाएंगे. नेक्स्ट वन इज स्टार्टिंग योर एग्जाम बाय अटेम्प्टिंग जीके और क्यूटी क्वेश्चंस. देखिए अगर आप अपना टेस्ट जीके से शुरू कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स पूरे टाइम जीके पढ़ते हैं, पूरा टाइम सोचते हैं, क्योंकि जीके कंसाइज है, जीके में आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने सोर्सेज करने हैं, तो स्टूडेंट को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं जीके पढ़ लूं, एटलीस्ट जीके खत्म कर लूं. और जब वो अटेम्प्ट करने जाता है, पिछले 3 साल से हम ये देख रहे हैं पैटर्न कि अगर आपने जीके पहले अटेम्प्ट किए, जीके सेक्शन डिफिकल्ट आना है आएगा, और वो सेक्शन देख के आप स्टूडेंट घबरा जाता है, और वो जब घबरा जाता है तो उसके आगे वाले सारे सेक्शंस डिफिकल्ट चाहे ना हो चाहे हो वो खराब होते हैं. दैट इज व्हाई यू डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट जीके और क्यूटी फर्स्ट एज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर एग्जाम. ट्राई करके देखिए, यू विल जस्ट एक्सपेरिमेंट दिस थिंग इन योर मॉक्स एंड यू विल गेट द रिजल्ट. एक बार ट्राई करके देखिए इस चीज को, आपको समझ में आ जाएगा. जीके और क्यूटी, देखिए ये सब्जेक्ट्स बनाए इसीलिए गए हैं ताकि, देखिए सबसे पहले जीके बनाया इसलिए जाता है ताकि स्टूडेंट को डर लगे, बहुत वास्ट है जीके, तो सारी चीजें डेफिनेटली आपको नहीं आएंगी. सेकेंडली क्यूटी, बहुत सारे लोगों को, 99% लोगों को मैथ से डर लगता है. आई हैव टॉट 1000 more than 1000 स्टूडेंट्स दिस टाइम, बट उन 1000 स्टूडेंट्स में से एटलीस्ट 900 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ से डर लगता है, और यहीं शुरू होता है हमारा थर्ड मिस्टेक जो कमिट करते हैं कि सर मैं क्यूटी छोड़ देता हूं, सर मुझसे क्यूटी नहीं होती है तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता हूं. तो अगर आप क्यूटी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो बाकी लोगों के पास में जहां पे ऑप्शन है 120 क्वेश्चंस में से 95 मार्क्स लाने का, आपके पास ऑप्शन होगा 108 क्वेश्चंस में से 95 मार्क्स लाने का, विच वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. तो ध्यान रखिए कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है,
क्यूटी भी अटेम्प्ट करना है, सीआर भी अटेम्प्ट करना है, लीगल भी अटेम्प्ट करना है, जीके भी अटेम्प्ट करना है, आरसी भी अटेम्प्ट करना है. द इंटेलिजेंस हियर इज दैट यू हैव टू पिक एंड चूज क्वेश्चंस एंड नॉट सेक्शंस. आप बकायदा आप क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, आप पैसेज छोड़ सकते हैं. आपको लगता है लीगल में बहुत लेंदी है लीगल, मैं 7 पैसेजेस कर पाऊंगा 8 में से, या 6 में 7 में से 6 कर पाऊंगा, या 6 में से 5 कर पाऊंगा, जितना भी है. तो आप पैसेजेस छोड़ सकते हैं पिक एंड चूज करके, इंटेलिजेंटली गेस करके. मैंने पहले भी आपको बोला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना चूज करने का है उतना लीव करने का, क्विट करने का भी है. What to do and what not to do, आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए. तो आप एक एक पैसेज छोड़ सकते हैं तीनों में से, आरसी सीआर लीगल में से, बट एक पूरा सेक्शन क्यूटी का या जीके का आप नहीं छोड़ सकते, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं. तो ये तीन मिस्टेक्स आपको एग्जाम में नहीं कमिट करनी है, चाहे और कोई मिस्टेक कमिट कीजिए, इट वोंट कॉस्ट यू मच जितना ये तीन मिस्टेक्स आपको कॉस्ट करेंगी. कौन सी वापस बता देता हूं. सबसे पहले Not attempting enough mocks. अब आपको at least 70-80 mocks attempt करने हैं. आज से ध्यान रखिए, आज के दिन से at least 70-80 mocks आपके होने चाहिए. Next, starting your exam by GK or QT, by attempting GK or QT. And third one is not attempting any section. एक पूरा section छोड़ देना. चाहे आपको डर लगता है कोई बात नहीं, मैथ से डर लगता है मैथ्स को शुरू कीजिए, उसको डर को जीतिए, डर से आगे बढ़ो, नहीं तो माउंटेन ड्यू पियो. ओके, बट यू डू नॉट हैव टू लीव अ सेक्शन, द इंटायर सेक्शन. ओके, तो ये तीन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है एग्जाम्स में अटेम्प्ट करते वक्त. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.